अगले प्रतिभाग हैं प्रतिभागी हैं यश अग्रहरी यश अग्रहरी आ जाइए आप पक्ष में बोलेंगे यानी कि सोशल मीडिया छात्रों के व्यक्तित्व विकास में बाधक है सर्वप्रथम मैं यहाँ बैठे सभी निर्णायक मंडल और यहाँ पे बैठे अतिथिगण और एवं भाइयों बहनों सबको मेरा नमस्कार आज हम यहाँ पे वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रस्तुत हुए हैं आज हमारा कहते टॉपिक कुछ और था हमने बात दूसरी सुन रहे थे हमारा कहते हैं सोशल मीडिया खराब है अच्छा है इस पर नहीं बात है थी बात यह थी कि सोशल मीडिया से बच्चों के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है सोशल मीडिया से देखने में आता है कि बच्चे बोलने में हिचकिचाते हैं जापान में तो लोगों को कहते हंसने का रोने का कि कोचिंग चल रहे हैं कि कैसे बच्चों सीख ही नहीं पाए लॉकडाउन के में जब इंटरनेट इतना यूज़ कर रहे थे लोगों के सामने कैसे हंसे बोले बात करें ये सब उनको सीख समझ ही नहीं आता है अब कहते वो हिंचाते हैं आ, आ, जा जाते हैं घर पे गूगल पे सर्च मार के पढ़ पढ़ लेते हैं जिसकी वजह से जब टीचर उनको पढ़ाते हैं अगर उन्होंने कुछ अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया तो सोचते हैं ये क्या हमको पढ़ाएंगे हम इनको पढ़ा देंगे इनसे ज़्यादा हमको ज्ञान है उनको यही कहते हैं सोचते हैं कि हाँ हम इनसे ज़्यादा ज्ञानी जबकि उनका आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए गुरु तो गुरु हमारे देवता समान है उनका कह कह इज्जत करना हमारे व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण है माता पिता अगर कोई कम कमाते हैं तो सोचते हैं मोबाइल में देखते कि हमारे कहते लोग कितना पैसा उड़ा रहे हैं तो हमको भी कहते उड़ाना चाहिए मेरे माता पिता ने क्या किया कुछ नहीं किया ऐसा सोचते हैं कहते है, व्यक्तित्व में अपने सुधार नहीं लाते हैं व्यक्तित्व तो के इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप कभी अच्छे मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं धन्यवाद दिव्यांश राय दिव्यांश राय आप सभी को सुप्रभात। आदरणीय महोदय और सम्मानित आदरणीय महोदय और सम्मानित सभी को सुप्रभात मैं आज के विषय के विपक्ष में बोलूंगा और महोदय सोशल मीडिया सोशल मीडिया आज तक छात्र के जीवन में बाधा ही माना गया है परंतु मेरी सोच से ऐसा नहीं है हमें इसकी बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों की तरफ ध्यान देना चाहिए और एक भाई ने अभी कहा कि साइबर बुलिंग इसका सबसे बड़ा ख़तरा है तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर साइकिल पंचर हो जाती है तो हम साइकिल को नहीं फेंकते हैं बल्कि पंचर बनवाते हैं तो इसी तरह हम साइबर बुलिंग के जिस कारण से होता है वो छोड़कर हम उसके अच्छाइयों को देखें और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें एक नया छात्रों को एक नया मोड प्रदान करता है और एक भाइयों ने कहा कि प्रतिदिन लाखों पोस्ट आते हैं इंस्टाग्रामों पे, ट्विटर पे एंड व्हाट्सअप पे। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम उसके लिए बहुत जागरूक होते हैं कि हमारे पास भी हो तो जैसे किसी के पास फ़ोन आता है या कुछ इंटरनेट आता है तो वो यही चाहता है कि हमारे पास सब कुछ हो तो वो भी वो ट्राई करना चाहता है जो सब करते हैं इसीलिए वो कुछ समय तक वो हरकतें करता है जो उसके लिए अच्छा ना हो परंतु जब वो ये समझ जाता है कि हमारे लिए अच्छा नहीं है या हमारे टाइम को बर्बाद कर रहा है तो वो उसको छोड़ देता है और रही बात दो तीन साल पहले करोना वायरस की तो उस समय हम पढ़ाई तो किए पर उस समय जब लॉकडाउन लगा था तो हमारे समाज के व्यक्तित्व हमारा हमारा व्यक्तित्व भी एक जगह रुक गया था जिससे हमें जारी रखने के लिए सोशल मीडिया एक ही उपाय रह गया था जिसके वजह से हम अपने व्यक्तित्व को जारी रख पाए थे और हम हाँ सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जिसके उपयोग से हम किसी भी विषय के बारे में जब चाहे तब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं जैसे कि एक सकारात्मक और एक नकारात्मक तो मैं कहना चाहूँगा कि हमें नकारात्मक को देखकर सकारात्मक की ओर जाना चाहिए और कोई भी काम अगर हम एक सीमा में करते हैं तो वो हमेशा एक सकारात्मक दिशा प्रदान करता है और कोई भी काम अगर सीमा से बढ़कर करते हैं तो वो हमें एक नकारात्मक दिशा प्रदान करता है वैसे ही अगर हम सोशल मीडिया का प्रयोग एक सीमा तक ही करें तो वो हमारे लिए हमेशा सकारात्मक दिशा प्रदान करेगा और हमें एक उच्च स्तर पर पहुँचाएगा और अगर हम सीमा से बाहर हो करते हैं तो कोई भी चीज़ हो अगर हम सीमा से बाहर हो करते हैं तो वो हमें हमारे लिए हमेशा नकारात्मक होता है और रही बात लॉकडाउन की उस समय बहुत ऐसे युवा थे जो जिनके जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी वह सिर्फ सोशल मीडिया के द्वारा ही अपने रोजी रोटी अब चलाते हैं और यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है सोशल मीडिया हमारी पढ़ाई से नहीं बल्कि अगर हम कुछ नहीं पढ़ पाते हैं अगर हमारा जीवन पढ़ाई वाला समय ख़त्म भी हो जाता है तो उस समय भी सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम अपना पूरा जीवन काल व्यतीत कर सकते हैं धन्यवाद अभी अपने इस जलसे का पेंटिंग कंपटीशन का फाइनल रिजल्ट आ गया है जिसका अनाउंसमेंट किया जा रहा है जूनियर ग्रुप में तीसरा स्थान प्राप्त किया है फिरदौश फातमा आमना मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज तालियों के साथ इनका भी स्वागत करिए अगर हो तो खड़ी हो जाए जूनियर ग्रुप में ही द्वितीय स्थान यानी सेकंड पोजीशन हासिल की है जिया रहमान एस टी चिल्ड्रेन अकेडमी एस टी चिल्ड्रेन अकेडमी के जिया रहमान और जूनियर ग्रुप में फर्स्ट पोजिशन हासिल किए हुमैरा फातिमा एनटी चिल्ड्रन चिल्ड्रेन अकेडमी जोरदार ताली, ताली बजाइए, इसके बाद सीनियर ग्रुप में थर्ड पोजिशन में दो बच्चे पोजिशन हासिल किए हैं तस्मिया आफरीन इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज और शायान नबी एम एस आई इंटर कॉलेज तालियों के साथ स्वागत करिए सेकेंड पोजीशन हासिल की है जन्नतुन निशा ने मौलाना आज़ाद गर्ल्स इंटर कॉलेज और फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है कि हैं जोया ख़ातून इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज तो इन लोगों को ये सूचना दी जाती है कि ये बाद नमाज मगरिब यानी साढ़े पाँच बजे यहाँ पर आ जाएंगे इनको प्रशस्ति पत्र और जो लिफाफा है और ट्राफ़ी इनको दी जाएगी तो आप ये लोग साढ़े पाँच बजे यहाँ आ जाएं। अगर आए हैं बच्चों को प्रतिभाग करते हुए इसका भी आनंद लीजिए अब डिबेट और जिनका थर्ड पोजीशन नहीं है यानी उससे नीचे हैं, तो वो भी प्रशस्ति पत्र लेने के लिए शाम को आ जाएंगे अब डिबेट कंपटीशन की तरफ लौटते हैं और अगला नाम है यश अग्रहरी बोल चुके अगला नाम है रशिका सरगम गौड़ रशिका सरगम गौड़ आ जाइए स्टेज पे आ जाइए A very warm good morning to honorable chief guest, respected teachers, and all my dear friends. This is me, Rashika Sargam Gaunt of class 11th. Today, it's a great pleasure for me to stand here and to talk about uh, social media, a hindrance in personality development of the students. So, first of all, social media. Social media, hair care. सोशल मीडिया को बहुत ही आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे हम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं हम लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हैं सोशल नेटवर्किंग कर सकते हैं वेल well, मैं इसके फेवर में बोल रही हूँ कि सोशल मीडिया बाधक है हमारे जनरेशन के लिए एज अ स्टूडेंट मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर्स का यूज़ करते हैं तो उस पर जो हम लोग स्टोरीज़ पोस्ट करते हैं जो हम लोग रील्स देखते हैं सर क्या होता है कि आ, जितने भी स्टोरीज और रील्स आते हैं हम लोग देखते हैं कि लोग इन्जॉय कर रहे हैं अल, अलग अलग जगह पे जाके लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हमें फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट हमें ऐसा एस, लगता है कि ये लोग बाहर जाके ये लोग घूम रहे हैं ये लोग ऐसा इंजॉयमेंट कर रहे हैं हम लोग कहीं ना कहीं वो चीज़ खो रहे हैं हम लोग घूम नहीं रहे हैं तो यहाँ से हम लोग अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं उन लोगों के साथ जो लोग बाहर घूम रहे हैं जो अभी स्टूडेंट हैं बट वो अपना स्टूडेंट लाइफ पढ़ाई के बजाय कहीं और लगा रहे हैं फिर मैंने देखा है और मैं पर्सनली एक्सपीरियंस भी करती हूँ कि साइबर स्टॉकिंग साइबर हरासमेंट कि जो इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे जो लोग हमें स्टॉक करते हैं वो लोग हमें बाहर भी स्टॉक करने लगते हैं हम हम जो अपनी फ़ोटोज़ वीडियोस पोस्ट करते हैं वो चीज़ लोग फॉलो करते हैं और फिर वो हमें स्टॉक करते हैं नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ये चीज़ भी बहुत गलत है और इस चीज़ पर भी काम होना चाहिए सोशल मीडिया जहाँ बहुत अच्छा है कई रूपों में जैसे कि मैंने मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बोला सगे संबंधियों से पार्टियों ने बोला लेकिन सोशल मीडिया एक लिमिट तक ठीक है अगर हम उसका सही यूज़ करें लेकिन आज क्या हो रहा है कि एडवरटाइजमेंट्स जो हो रही है जो आ, रियलास्टिक वीडियोस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों को आर्ट्स उस तरह अट्रैक्ट कर रहे हैं जहाँ नहीं होना चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखते हैं घूमते टहलते हुए हम लोगों को देखते हैं कि वो लोग व्लॉगिंग करते हैं अलग अलग जगह पे जाके व्लॉग बनाते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि क्यों ना हम भी घूमें और हम भी व्लॉग बनाएं जबकि हमारे टाइम पे जब गुरुकुल हुआ करती कर थी जब नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी उस टाइम लोग टीचर्स की रिस्पेक्ट करते थे अगर उन्हें कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो वो लोग सीधा जाके टीचर्स से पूछते थे क्वेश्चंस बुक से उठाते थे अब क्या है अब हम किसी के पास जाते नहीं हैं हम सोचते हैं अरे हमारे पास फ़ोन है हम लोग फोन पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं हर चीज़ को सर्च कर सकते हैं तो यहाँ हम लोग अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं हम टीचर्स को टीचर्स की वैल्यू रिस्पेक्ट देना भूल गए हैं सोशल मीडिया की वजह से तो ये चीज़ बहुत ही गलत इम्पैक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स लाइफ में तो इस पे ये भी है कि हम लोग सोशल मीडिया के रंग में इतना घुल गए हैं कि मोगली से बन गए हैं मतलब जंगल में हम सब सिर्फ एक मोगली रहता है ना जंगल में और वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है वो बस उन लोग की तरह जैसे वो चल रहे हैं वैसे वो चलता है एनिमल्स की तरह एनिमल की तरह बिहेव करता है वैसे ही हम लोग सोशल मीडिया पे जैसे जैसे एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं जैसे जैसे वीडियोज़ और रील्स देखते हैं वैसे अपने आप को ढाल लेते हैं हम लोग नहीं सोचते कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा अगर हम लोग अच्छी चीज़ें नहीं कैप्चर करेंगे अगर हम लोग टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं देंगे अगर हम लोग लोगों की बातें बड़ों का आशीर्वाद नहीं लेंगे तो फिर हम लोग एक गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए थैंक यू एंड हैव अ वेरी ग्लोरियस डे। नाउ, मोहम्मद शाहिद ही स्पीक अगेंस्ट द मोशन मोहम्मद शाहिद मोहम्मद शाहिद इज एब्सेंट इस डिबेट कंपटीशन के इस डिबेट कंपटीशन में हमारे मैनेजर सर उपस्थित हुए हैं जोरदार तालियों के साथ इनका खैर मकदम करिए हर्षित तिवारी विल स्पीक अगेंस्ट द मोशन की गंगा बहाने वाली मां सरस्वती सम्मानित मंच एवं मेरे प्रिय भैया और बहनों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज डिबेट कंपटीशन हो रहा है उसके विपक्ष में मैं बोलने के लिए यहाँ पे प्रस्तुत हूँ तो उसके बारे में जैसे एक हाल ही में हादसा हुआ है उत्तराखंड का टनल हादसा उसमें सत्रहवें सत्रहवें दिन जब मजदूरों को फोन दिया गया और अपने घर वालों से बात करने का मौका दिया गया तब वो अपने घर वालों से बात करते करते भावुक हो गए तो और बीसवें दिन वो घर से उस टनल से निकल के अपने घर वालों से मिले और खुशी की बहुत आनंद हुई ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे हुए हैं कि पड़े हैं कि जो ये सोशल मीडिया है वो अच्छा भी है और बुरा भी है बात ये है कि हम लोग सोचते कैसे हैं कि सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा है इस बार जैसे कि एक अपना एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि मुझे पता नहीं था कि ये स्कूल है कहाँ तो मैं गूगल किया तो फिर वह, वहाँ से मैं अपने घर से यहाँ तक आने में सक्षम हो पाया तो सोशल मीडिया एक सेव की तरह है जैसे जैसे भैया ने बताया कि उस चाकू की तरह है जैसे सेव भी काट सकते हैं अपनी उंगली भी काट सकते हैं सोशल मीडिया एक भारत सरकार के लिए ऐसा हेल्पफुल पब्लिकेशन बन गया है जिससे वो आजकल इमरजेंसी अलर्ट जैसे अर्थविक आ रही है या फिर कोई भी आर्थिक संपदा आ रही है उसको सबसे पहले उसे लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप या फिर फ़ोन नंबर पे कॉल करके बता दे रही हैं जैसे आजकल बहुत सारी फ्रॉड एजेंसियाँ भी चल रही हैं तो उनके जैसे खाते से पैसे निकालना हो या फिर डालना हो क्रेडिट हो या डेबिट हो तो दोनों के ही मैसेज तुरंत व्हाट्सएप पर आ तो जा फोन नंबर पर आ जाता है जिससे लोगों को पता चल जाता है कि हमारे व्हाट्स हमारे अकाउंट नंबर या हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है इस प्रकार से जैसे देखा जाए कि सोशल मीडिया जो है बहुत सारे भाव को रखता भी है और नहीं भी रखता है आज से करीब पंद्रह लाख साल पहले जब श्री रामचंद्र जी जब लंका में रहते श्रीलंका में गए थे रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए तो उस समय ये जमाना कत्ता ही नहीं था जिसके कारण जो श्रीलंका का रावण का जो महल था उस समय उसको विलीन कर दिया गया और इस समय द लायन केव के नाम से जाना जाता है और वही जब आज बहुत से सालों बाद जब पता चला एक अंग्रेज़ को तो उसने जा गया और जैसे रामायण में चर्चित है वैसे उसने बताया कि ये ये रावण का ही गुफा था जैसे कि आज लोग सब कोई फ़ोटो ले रहे हैं तो फ़ोटो ले रहे हैं तो उनके बारे में कोई जानता नहीं है इतनी ज़्यादा ज़्यादा आबादी हो गई है कि लोग एक दूसरे के बारे में पहचानना भूल गए हैं तो उनके बारे में वो जानने के लिए एक दूसरे को सोशल मीडिया से कनेक्ट कर रहे हैं इतनी बारी को अपनी बात को विराम देते हुए अपनी बारी को विराम देता हूँ धन्यवाद अगले प्रतिभागी हैं मसूद अहमद मसूद अहमद सोशल मीडिया तलबा की शख्सियत के इर्त में रुकावट मैं इस मौजू के हक़ में इजहार ख्याल की इजाज़त चाहता हूँ सोशल मीडिया और तमाम तरह के गैजेट्स देखने और सुनने में पुरकशिश और सुहाने लगते हैं मगर दर हकीकत वो तलबा की शख्सियत पर इंतहाई गैर सेहतमंद असर छोड़ते हैं एक तालब इल्म को किताबों से फुर्सत कहाँ है जो वो जहनों को मायल करने वाले सोशल मीडिया या दीगर जैसे नए नए साइंटिफिक सैंटिफिक्त में दिल बहलाए और एक मरतबा सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद देर तक मोबाइल या कंप्यूटर से अलहदा होने का मन नहीं करता लेकिन तलबा की शख्सियत के इरत के मामले में सोशल मीडिया के मनफी असर बहुत ज़्यादा हैं जिनसे कोई इनकार नहीं कर सकता पहला ये कि जैसा कि लोग कहते हैं कि तलबा को यूटूब पर रेडीमेड मवाद मिल जाता है मगर मेरा ये मानना है कि इस तरह का क्यूरेटेड मवाद तलबा को फराहम होने से उनकी ख़ुद इतमादी पर बुरा असर डालते हैं अव्वल ये कि वो उसके आदि हो जाते हैं दोम ये कि वो उनकी मुसलसल नुमाइश तलबा को ख़ुद को नामवाफिक वाफिक तरीके से मवा करने पर मजबूर कर सकती है वो अपने बारे में कम हमती महसूस कर सकता है और उसकी खुद इतमादी मुतासिर हो सकती है दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन तालीम के खुशगवार नारे से गलत फहमी में नहीं पढ़ना चाहिए यह तलबा का गैर रस्मी तालीमी निज़ाम है जिसमें तामिल यानी इंट्रेक्शन की कमी होती है सवाल जवाब के सीशन का फकदान होता है प्रैक्टिकल नहीं हो पाता और टीचर ओरिएंटेड पुराने मामूल के मुताबिक तालीम होती है जबकि जदीद तरीका तालीम का जो ज़्यादा मँसर है वो इस्टूडेंट ओरिएंटेड होता है जिसमें तलबा जिसमें उस ताज़ा तलबा से सवाल करके उनके अंदर की खूफ या सलाहियत को बाहर लाते हैं इस वजह से आमने सामने के ताम और मवासिलात की कमी एक बड़ी कमी है जो सोशल मीडिया के इस्तेमाल में सामने आती है सोशल मीडिया का तीसरा चैलेंज तलबा के सामने टाइम मैनेजमेंट है सोशल मीडिया एक नशा है और एक मर्तबा बंदा जब लॉगिन करता है तो वो वक्त का शुमार भूल जाता है सोशल मीडिया की मशहूर गुन दुनिया उसे ऐसे परी लोक में ले जाती है जहां उसे वक्त का अंदाज़ा नहीं होता और इस तरह वक्त ज़ाया होता है इसका मताल तलीमी जाती तरक्की मुतासर होती है और पैदावार सरगर्मियों में लगाने के लिए वक्त नहीं मिलता चौथी बात मुझे जमनन ये कहनी है कि इसका सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है तालिबे इल्म जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो स्क्रीन पर लगातार नज़र गड़ाए रखने से उनकी आँखों की रोशनी मुतासिर होती है मुसलसल बैठने से उनको सर्वाइकल और लंबो सैक्रल जैसी बीमारियां हो जाती हैं खेल कूद और जिसमानी वर्जिश में उनका दिल नहीं लगता और सेहतमंद दिखने के बावजूद भी वो कमज़ोर और बीमार हो जाता है सोशल मीडिया का तलबा की शख्सियत के अरतक पर पड़ने वाला अगला मनफी असर यह है कि तलबा ऑनलाइन समाजी रुझाना के मुताबिक वमाफिक होने के लिए दबाव का सामना करते हैं इससे मुमकिन है कि उनकी शनाख्त की मुस्तंद नौशोनुमा में रुकावट पैदा हो ऑनलाइन गेम्स में वो अपनी शनाख्त को भूल सकता है मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल अफराद की भीड़ में इसको अपना वजूद तलाश करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है नतीजे के तौर पर इसके असाब पर तनाव के असरात नमियाँ होंगी और वो अपनी शख्सियत को ही गुम कर देगा इसी से मुतालिक ये भी है कि और... सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साइबर धूंस का फैलाव तलबा की जहनी सतह पर संगीन नतज का बाइस बन सकता है उनकी जज्बाती सेहत और शख्सियत को नोशोनुमा में रखना पड़ सकता है ब्लूवेल को इसकी मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है पबजी गेम्स भी नशावरी की हद तक बच्चों की जज्बाती सेहत पर असरानंदाज होते हैं तलबा ब्लैकमेलिंग का शिकार होते सुने गए हैं उनको जानी व माली नुकसान भी पहुंचता रहा है आखिरी नुकसान के तौर पर मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया पर मुख्तर तवज़ा हासिल करने वाले मवाद बा कसरत मौजूद हैं ऐसे मवाद की मुसलसल नुमाइश के मुख्तर दौरानियों में हिस्सा डाल सकते हैं इसका असर बच्चों की शख्सियत के अरतक पर इस तरह पड़ता है कि वो गहरे और ज्यादा पैचीदा कामों में मशगूल होने की सलाह से महरूम हो जाते हैं और सदी किस्म के मवाद में ही उलझे रहते हैं आखिर में बस इन चार लाइनों से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ हालात के कदमों पर कल नहीं गिरता कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता टूटे जो तारा तो जमी पर नहीं गिरता गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया कि गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता थैंक यू मोहम्मद शाहिद फर्स्ट कॉल ही वॉज एबसेंट इज ही प्रेजेंट नाउ بومبا شاهد to speak against the motion الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم मालिक योद्दीन वसलात वसलाम अला मल्लाबाद नबी अम्माबाग मुनतज़मीन इजलास मियाँ साहिब इस्लामिया इंटर कॉलेज गोरखपुर सदर मजलिस डयर कमांडर्स और मेरी माएँ और बहने मेहमान ग्रामी कद्रताद मोहतरम वजिद तलबा साथियों असलम वल्ला वरक पहली बात यह तकरीब मुनद की गई है यह डाइस में दिया गया है अपनी बात रखने के लिए ना कि चैलेंज करने के लिए और चुनौती करने के लिए इसलिए मैं किसी को ना ही चैलेंज करने वाला ना ही किसी की चुनौतियों का जवाब देने वाला हूँ और जो मौजू मिला है वो है कि سماجي زراعي بلا يافر سوسل ميديا هم طلبة شخصية میں رکاوٹ قال الله تعالى في كلامه المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله السميع العليم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة वल्लम वन तुम ला तम समाजी जराए इबलाग हमारे लिए बहुत ही मुफीद और कारामत साबित हुए हैं इसका मैं मुनकिर नहीं लेकिन सोशल मीडिया हम जैसे नौनहाल तलबा की जिंदगियों में आकर हमें हमारे मुद्दा से मिशन से भटका दिया है ये हमारी जिंदगियों में आकर सीधे रास्ते से हमें भटकाकर ग़लत रास्ते की तरफ बढ़ा दिया है इसमें इसने हमारी अशात की है इसने हमें हमारी किताब इसने हमें हमारी तालीम तालुम, इसने हमें हमारी सुन्नत हमारे तर्ज तौर तरीके हमारे मेल मिलाप कि जिसका फरमान फरमानदीन इस्लाम ने बड़े जोरों शोर के साथ अल अखुल मुस्लिम कहकर कि एक मुसलमान और दूसरा मुसलमान आपस में भाई भाई हैं एक औरत और दूसरी औरत आपस में बहन बहन है हमारे दरमियान जो भाईचारा था जो मेल मिलाप था जो मिलना जुलना था एक साथ उठना बैठना था उसको पसे पुष्ट डाल दिया हमें नहीं चाहिए ऐसा जरा इबला हम नफिल की खातिर फ्राइज को हरगिज तर्क नहीं कर सकते दिल में चीख यह है दर्द यह है कि यह जो तरीका है सोशल मीडिया गलत नहीं है जराए इबलाक गलत नहीं है बल्कि गलत उसको इस्तेमाल करने वाले के ऊपर मुनसर होता है उसके एक हाथ में जन्नत और दूसरे हाथ में जहन्नम होती है वो उसके ऊपर मुनसर है कि वो किस तरफ़ जाना चाहता है उस अपने लिए बाग बनाना चाहता है या गढ़ा बनाना चाहता है ये हमारे ऊपर मुनासिर है हमारे ऊपर डिपेंड करता है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उसका पैरु नहीं बनना है जिसे बाजारू लफ्ज में हम कह सकते हैं हमें उसका आशिक नहीं बनना है बिल्कुल अपने आप को उसमें खपा नहीं देना है और इसी से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1400 साल कबल रोका था या यादीना आ मनु अय वो लोगो जो ईमान ले आए हो ला तबे वो खुतवात शैतान तुम शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करना वो मैं तब खुतवात शैताना और जिसने शैतान के नक्शे कदम की पैरवी की तो फू या आम फाशा इबल मुनकर तो वो तो देने वाला ही है फाश फाश गोई का हुक्म फाशी का हुक्म देने वाला ही है वो गलती की तरफ रहनुमाई करने वाला है ही वो हमें इस्तेमाल करना है लेकिन हद में रहकर उसकी हद ताँग यह ताँग है टाइम ओवर कि जो काबिल इस्तेमाल हो उसको इस्तेमाल में लाएं जो काबिल इस्तेमाल ना हो उसको छोड़ दें हद में रहकर करें बस डिबेट का चल रहा है इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट जैसा कि शुरू में ऐलान किया गया था डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी जी हैं हम चाहते हैं उनको सम्मानित करना मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब त्रिपाठी जी से ये प्रिंसिपल हैं एलपी के इंटर कॉलेज बसडीला सरदार नगर गोरखपुर के, के। एक्स मेंबर हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के विद्या भारती के भी एक अहम रुकन हैं और उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेशीय उपाध्यक्ष हैं तो इतनी सारी भूमिकाओं में पाकर हम आप बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि आपका यहाँ पे सम्मान किया जाए मैं आ, काले से बहुत मोहब्बत रखते हैं और एक बात और भी है कि अभी जो डिबेट चल रहा है इसके टॉपिक को के निर्धारण में आपकी बहुत प्रमुख भूमिका है जब टॉपिक डिसाइड हो रहा था तो इतफाक़ से मौजूद थे और उन्होंने ही इस तरह का टॉपिक दिया है मैं कॉलेज के मैनेजर जनाब महबूब सईद हारिस साहब और प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करूंगा कि आपको शॉल उड़ा कर और बुके प्रदान करके आपका सम्मान करें डॉक्टर एहसान भी जो जज हैं ये सभी लोग हमारे कॉलेज से बहुत मोहब्बत करते हैं और हमेशा हम लोग का इनका सहयोग रहता है जनाब डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी जी हैं जो चीफ गेस्ट हैं आज के इस प्रोग्राम के इसके बाद मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं जनाब डॉक्टर रविंद्र त्रिपाठी जी से को भी सम्मानित कराना चाहता हूँ अपने प्रिंसिपल साहब मैनेजर साहब से डॉक्टर रविंद्र त्रिपाठी जी ये बढ़िया चौक विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं और उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेशीय महामंत्री हैं तो इस मौके पर इस मौके पर आपको भी हम सम्मानित करना चाहते हैं ये दो महान हस्तियां हैं जो लगातार हमारे कॉलेज में से इंटरेस्ट रखती हैं और अच्छे मशवरे देती रहती हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जनाब डॉक्टर रवींद त्रिपाठी जी हम आप दोनों का स्वागत करते हैं और आपको यहाँ पाकर हम बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं ऐसे ही आपका स्नेह बना रहे आशीर्वाद बना रहे हैं अभी हमारे बीच में इमाम बाड़ा कमेटी के ज़िला अध्यक्ष सैद इरशाद अहमद साहब मौजूद हैं जनाब शकील अहमद साहब और शाकिर अली सलमानी साहब जो अध्यक्ष हैं ये सभी लोग हमारे बीच मौजूद हैं हम उन सब का इस्तेबाल करते हैं आपने बहुत मेहरबानी की कि इस प्रोग्राम को भी जी बख्शी शुक्रिया एक बार और रिजल्ट पेंटिंग कंपटीशन का आप सुन लें जिसका रिजल्ट अभी थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट किया गया है एक बार और हम उसको दोहरा दे रहे हैं सुन लीजिएगा जूनियर ग्रुप में तीसरा स्थान फिरदौश फातिमा आमना मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज सेकंड पोजीशन जिया रहमान एसटी टी चिल्ड्रेंस एकेडमी और फर्स्ट पोजीशन है हुमैरा फ़ातिमा एनटी चिल्ड्रन एकेडमी ये जूनियर ग्रुप में तीन जो पोजीशन हासिल किए हैं उनका नाम है सीनियर ग्रुप में शायान नबी तीसरे पोजीशन पर एम इंटर कॉलेज और तीसरे ही पोजिशन में दो लोग आए हैं तस्मिया आफरीन इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज ये दोनों लोग तीसरा तीसरी पोजीशन हासिल किए हैं सेकंड पोजीशन हासिल की है, हासिल की है जन्नतु निशान मौलाना आजाद गर्ल्स इंटर कॉलेज और जोया खातून इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है ये लोग सभी बाद नमाज मगरिब समापन समारोह इसका होगा उसमें ये लवाएंगे अपनी ट्रॉफ़ी प्रशस्ति पत्र और लिफाफा इनको मिलेगा साढ़े पांच बजे से यह प्रोग्राम शुरू होगा अब डिबेट की तरफ लौटते हैं और अगला नाम है सोहराब अख्तर सोहराब अख्तर हैं सोहराब अख्तर फार के लिए सोशल मीडिया छात्रों के व्यक्तित्व विकास में बाधक इस पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे तय कर लेना चाहिए ना ठीक है इसके बाद स्मृति इस श्रीवास्तव का हो गया नूर खुशी नूर खुशी आ जाए नूर खुशी असलकुम यहाँ पर उपस्थित सभी जनगण और मेरे प्यारे साथियों मैं नूर खुशी आज आपके सम्मुख सोशल मीडिया छात्राओं के विकास में बाधक विषय के पक्ष में चर्चा करने जा रही हूँ कृपया ध्यान दें प्रत्येक वस्तु का दो पहलू होता है एक अच्छा और एक बुरा प्रत्येक मनुष्य की आदत होती है कि वो अच्छे की तरफ कम और बुरे की तरफ तेज़ी से बढ़ता है ऐसा ही हाल कुछ सोशल मीडिया का भी है छोटी उम्र में बच्चे अगर मोबाइल से लगे होते हैं तो सबसे ज़्यादा उनके सबसे अधिक प्रभाव उनकी आंखों पर पड़ता है बच्चों का मन बहुत नाजुक और चंचल होता है सोशल मीडिया इनकी सोच और व्यवहार को आसानी से बदल सकता है सोशल मीडिया हमारी सोच और आसान सोच और व्यवहार को आसानी से बदल सकता है सोशल मीडिया छोटी उम्र में बच्चों के हाथ में नहीं आना चाहिए और पेरेंट्स होने के नाते आपके लिए जानना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के कुछ बुरे प्रभाव भी होते हैं सोशल मीडिया इतना बड़ा है कि बच्चा कब कहाँ और कैसे क्या जानकारी प्राप्त कर ले आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते ना आप ना आप जान सकते कि उसने क्या जानकारी प्राप्त की ऐसी स्थितियाँ बच्चों को अश्लील और हानिकारक ग्राफिक वेबसाइटों तक पहुँचा सकती है जो उनकी सोचने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है सोशल मीडिया वेबसाइटों के बीच साइबर बुलिंग भी अधिक बढ़ गया है साइबर बुलिंग हर साल कई बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा किशोर अवस्था और युवा अवस्था साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं सोशल मीडिया के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ उसके नुकसान भी हैं सोशल मीडिया इतना बड़ा है कि नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज राहुल साहनी राहुल साहनी विल स्पीक अगेंस्ट द मोशन आदरणीय निर्णायक मंडल शिक्षकगढ़ और के रूप में बैठे मेरे हिंदुस्तान देश के भावी आशाओं को मेरा प्रणाम मेरा नाम राहुल सानी है और मैं कक्षा अच्छा सेकेंड ईयर बी वन का छात्र हूँ मैं अपने बातों को शुरू करने से पहले दो लाइनें बोलना चाहता हूँ कि संग्राम जिंदगी है लड़ना तुझे पड़ेगा जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा इतिहास कुछ है नहीं है संघर्ष की कहानी राणा सिंह भगत सिंह झांसी वाली रानी अरे कोई भी कायरों का इतिहास नहीं पढ़ेगा जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा मान्यवर मैं आपको बता देना चाहता हूँ महाविद्यालय के दस गुड़े दस गुड़े भाई कमरे में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो डिग्रिया हाथ में लिए हुए है उसमें चिंता बनी हुई है कि वो अपने लाइफ को आगे कैसे बढ़ाए अपने लाइफ को कैसे अगले पद तक पहुंचाए ये उसके चिंता का विषय बना हुआ है लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो उसको शिक्षा दिला सकती है सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो उसे जॉब दिला दे सकती है और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो उसे पहचान दिला सकती है माने और मेरे भाई ने वहाँ बैठे हुए सामने उन्होंने कहा कि चार व्यक्ति इधर और चार इधर अगर हैं अगर उनको सामने बातचीत करने के लिए रख दिया जाए तो चार व्यक्ति वाले ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे और ये चार व्यक्ति ज़्यादा बात कर सकते हैं लेकिन ये मोबाइल फ़ोन है इस साथ में तो है लेकिन ये सेल्फी भी ले सकते हैं और अपने अकाउंट में पोस्ट कर सकते हैं मान्य एक ने कहा कि सोशल मीडिया जो है मोगली की तरह है जो जंगल में जा कर के इस तरीके से उस तरीके से बंदर पे कुटता रहता है मानवर मैं उसे ये पूछना चाहता हूँ कि हर सिक्के अगर दो पहलू होते हैं तो जो सिक्का होता है एक उल्टा होता है वो, वो एक सीधा होता है और कहावत तो यही कहा जा सकता है ना महोदय कि कहते हैं ना हम तो डूबेंगे डुबे, डूबेंगे इस सनम साथ में तुमको भी ले डूबेंगे लेकिन ऐसा विश्वास करने वाले अगर ये रखते हैं तो इसको उल्टा या सीधा ना देखे सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो क्या करता है एक व्यक्ति को ऊंचे पद पर पहुंचा सकता है मैं अपनी बातों को विराम देने से पूरे कुछ लाइने बोलना चाहता हूँ कि तुम गिर कर देखो कोई नहीं आएगा उठाने तुम उठ कर देखो सब आएंगे गिराने तुम गिर कर देखो कोई नहीं आएगा उठाने तुम उठ कर देखो सब आएंगे गिराने ना मैं गिरा ना मेर Luther, मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे मुझे गिराने में लोग कई बार गिरे ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे मुझे गिराने में लोग कई बार गिरे और सवाल जहर का नहीं था उसे तो मैं पी गया लोगों को तकलीफ तो तब हुई जब मैं जीत गया इसके बाद हैं आबिद आजाद आबिद आज़ाद इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ मेरा असूल है मैं पहले सलाम करता हूँ और मुखालिफत से मेरी शख्सियत समरती है मुखालफत से मेरी शख्सियत समरती है मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ वालेकुम मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एक विपक्षी साथी उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ उन्होंने कहा कि अगर व्हाट्सअप ना होता तो हमारे मैसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाते इसका सीधा सीधा जवाब है मैसेंजर सही सुना आपने। एक कबूतर के द्वारा भी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है आदरणीय महोदय एवं सम्मानित मंच आज मैं विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत हेतु सभा में उपस्थित हूं महोदय इन दोनों सोशल मीडिया के बढ़ते हुए चलन न केवल युवाओं को अपनी चपेट में लिया है बल्कि किशोरावस्था अवस्था के विद्यार्थी भी इसके आकर्षण से दूर नहीं रह पाए सुबह उठते ही और रात को सोने जाने से पहले तक इन सोशल मीडिया को एक्सेस करने में इन स्टूडेंट्स को वास्तविक दुनिया से अलग ही कर दिया है हर वक्त हाथ में लिए फोन पर नजरें जमा कर बैठे विद्यार्थी को भला कब विश्लेषण करने का समय मिलेगा कब वे अपनी पहचान के बारे में या उद्देश्य के बारे में सोच सकेंगे कहने को तो बहुत कुछ है पर मैं अपनी कम शब्दों में अपनी बात को कह के खत्म करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर अधिकांश बच्चे सक्सेसफुल लोगों की लाइफ स्टाइल और फिल्टर्स वाली तस्वीरों को देखने में भी बताते हैं इनसे उनमें सामाजिकता की कमी आती है अर्थात वे ठीक से सो भी नहीं पाते और उनकी रातों की नींद चली जाती है अंत में मैं वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दिया बुझे तो दोष हवाओं को, तो दो को देने से पहले कभी बाती तेल भी संभाल लिया करो और सूरज की गर्मी को कोसने के बजाय एक छाता सिर पर तान लिया करो एक छाता सिर पर तान लिया करो और हर बात में कमियां खोजने वालों हर बात में कमियां खोजने वालों कभी खूबियों को भी पहचान लिया करो कभी खूबियों को भी पहचान लिया करो बहुत बहुत धन्यवाद सौराब अख्तर अगेंस्ट मोशन। ورحمة الله وبركاته. आज मैं जिस मौजू पर आपके सामने डिबेट में हाजिर हुआ हूँ यह आपके सामने आया है जैसे कि अभी हमारे बहुत से साथी आए और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया यानी मोबाइल कंप्यूटर, यह दीगर चीज़ें इंटरनेट हमारे पढ़ाई में दुश्वारी होती है या हमें उससे असल मकसद से हटाकर दूसरे मकसद की तरफ ले जाती है तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि हर चीज़ का एक इस्तेमाल होता है अगर किसी भी चीज़ का आप सही इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए वो सही होगा मुफीद होगा मसलन आवारे हमारे बहुत से साथी ने कहा अभी जैसे चाकू और सेब का मिसाल दिया ठीक इसी तरीके से एक माचिस की मैं मिसाल देता हूँ एक तीली माचिस की और उसका सही इस्तेमाल किया जाए इसके मतलब ये कि उसको जहाँ इस्तेमाल करना चाहिए मतलब गैस पे हमें जलाना है अगर सही इस्तेमाल करें तो गैस जलेगा नहीं तो चाहे तो हम घर में भी आग लगा सकते हैं ठीक इसी तरीके से अगर इस दौर में कोरोना काल में हम पीछे मुड़ के देखते हैं कोरोना काल के अंदर जैसे कि पढ़ाइयाँ तमाम के तमाम मदारस तमाम के तमाम स्कूल तमाम के तमाम कॉलेजेस बंद हो गए थे उस वक्त भी लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए इल्म को जारी रखा उस वक्त भी उन लोगों ने पढ़ा और जो लोग ये कह रहे हैं कि उस वक्त सिर्फ पंचानवे परसेंट लोगों ने नहीं पढ़ा पाँच परसेंट लोगों ने पढ़ा हम भी एक क्लास में पढ़ने वाले तालबिल में हैं अब भी हम पढ़ रहे हैं हम अब भी ये कह सकते हैं कि अब भी क्लास में उस्ताद जब पढ़ाते रहते हैं नहीं पढ़ने वाले बच्चे पीछे बैठ के वो उस वक्त भी नहीं पढ़ते हैं और पढ़ने वाले बैठ के आगे पढ़ते हैं चाहे इसके लिए हमें सोशल मीडिया के जरिए पढ़नी पड़े तो उससे भी हमें अगर फ़ायदा लेना चाहें तो हम इससे भी फ़ायदा ले सकते हैं अगर हम मान के चलिए कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ अलमाय कराम बैठे हुए हैं और दिगर लोग बैठे हुए हैं वो अगर ये समझ रहे हैं कि जैसे कि हम कुरान की तफसीर पढ़ना हो या हमें हदीस की शरह देखनी हो या इस तरीके से दिगर चीज़ें देखनी हो जैसे कि बहुत सारे कराम के अकवाल हैं जैसे फ़िक का मसला देखना हो अम अरबा का मसला है हमें एक किताब में चारों इमाम का मसला चारों बातें नहीं मिल सकती और अगर हम उसको जो है नेट के जरिए यूट्यूब के जरिए गूगल के जरिए देखते हैं तो तमाम के तमाम चीज़ें हमें बाक वक्त मिल जाती है ठीक इसी तरीके से यहां जिस जहां हम जहां हाजिर हैं यहां इस कॉलेज के अंदर जो पढ़ाई हो रही है इस कॉलेज के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है जामिया मिलिया में क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है वह हम यहीं बैठे देख सकते हैं कि हमारे टीचर किस तरह से पढ़ा रहे हैं और जामिया मिलिया के प्रोफेसर किस तरह से पढ़ा रहे हैं हम दोनों के अंदाज को परख सकते हैं हमें वहाँ सीखने का मौका मिलेगा हम हमें जिसकी बात आसानी से समझ में आ जाएगी हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे ठीक इसी तरीके से जामिया अजहर में क्या पढ़ाया जा रहा है और हमारे मदारसों में क्या पढ़ाया जा रहा है हमें सीखने का यह मौका मिलता है कि हमारे मदारस में किस तरह पढ़ाया जा रहा है और जामिया अजहर में किस तरह पढ़ाया जा रहा है हम बार बार जब एक वीडियो को देखेंगे और उससे सीखने की कोशिश करेंगे तो हमें बिल्कुल जो अच्छी चीज़ है हम उससे अक्स कर सकते हैं ले सकते हैं इसलिए इस दौर में और इस वक्त में सोशल मीडिया बहुत ही ज़रूरी है जिससे हमारे तालीम के लिए हमारी दूसरी चीज़ों के लिए हमें मुफीद साबित होगी अगर अगर हम सोशल मीडिया से किनारा कशी अख्तियार कर ले हम सोशल मीडिया को अपने लिए गलत साबित करने लगे और उसके फ़ायदे से हम छोड़ दें तो फिर हम दुनिया में बहुत ही पीछे रह जाएंगे जबकि इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है कि तुम वक्त के साथ हालात के साथ अपने आप को बदलो आप जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दूं आज से आप साढ़े चौदह सौ साल पीछे जाइए अल्लाह के रबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन फैलाने की सबसे पहले दीन फैलाने की बात की तो आपने वही अंदाज अख्तियार किया वही तरीका अख्तियार किया जो अरब का दस्तूर था जो अरब का कानून था उसके मुताबिक आप ऊंची जगह पर खड़े हो गए और फिर वहां से कौम को आवाज दी जो अलामा कराम इसको फितरा समझते हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा इस वक्त के मौजूदा दौर में हमारे लिए कार हमारे लिए बहुत ही मुफीद है हमें इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारे लिए आसानी हो सके और हम उनसे अपने मामले को अक्स कर सके अल्लाह ताला से दुआ हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सोशल मीडिया के अच्छे फायदे लेने और नुकसान से बचने की तोफिकदा फरमाए अगले प्रतिभागी हैं अब्दुररहानब्दुर्रहमान नाम नोट कर लें अब्दुर्रहन असलकम वरक लायक सद अहतराम जनाब सदर साहब हकम हजरात इस कराम और मेरे आज़ीज़ साथियों आज के इस मुबारक बज में मेरा मौजूए सुखन है सोशल मीडिया तलबा की शख्सियत के इरतकाम रुकावट मैं इस मौजू के मज़बत पहलू पर बात करूँगा जैसा कि मेरे भाई एक मुखालफन भाई बोले थे कि करोना वायरस के दौर में हमने ऑनलाइन तालीम का इस्तेमाल किया है इसलिए सोशल मीडिया तलबा की शख्सियत के इरता का ज़रिया है तो मैं उनको ये बात बता दूँ कि करोना वायरस के दौर में ऑनलाइन तालीम का इस्तेमाल करना तो हमारी मजबूरी थी लेकिन फिर भी हम ये सब फिर भी हम सब ये बात जानते हैं कि ये बहुत कामयाब नहीं रही क्योंकि अगर ये कामयाब रहती तो करोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस में हमें दोबारा स्कूल खोलने की ज़रूरत ना पड़ती और एक भाई ने कहा कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से ही हम अपनी शख्सियत बना सकते हैं तो मैं बता दूं कि जब सोशल मीडिया नहीं था तो भीमराव अंबेडकर और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग यहाँ से निकल चुके हैं बस मैं इकबाल रमत के एक शेर से अपनी डिबेट को शुरू करूँगा है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत एहसास मुरुत को कुचल देते हैं आला जनाबे वाला मुंतकी एतबार से इंसान उसी चीज़ को अपनाता है जिस चीज़ में खैर ज़्यादा हो और शर कम और जिस चीज़ में शर ज़्यादा हो और ख़ैर कम तो इंसान ऐसी चीज़ों से इजतनाब बरतता है सोशल मीडिया ने जहां हमारे फासलों को कम किया है तो वहीं हमारे दिलों को एक दूसरे से दूर कर दिया है यही वो सोशल मीडिया है जहाँ पर तालबल कभी शीला की जवानी तो कभी मुन्नी की बदनामी पर बहस व मुबाशा करते नज़र आते हैं यही वो सोशल मीडिया है जहाँ पर तलब किसी हसीना की हसीन गुफ्तु से दिल लुभाते नज़र आते हैं जिन तालबों को किताबों को पढ़ने और एजुकेशन को हासिल करने में अपना वक्त सर्फ़ करना था वो आज अपना सारा वक्त सोशल मीडिया पर गर्क करते नजर आते हैं हजरात सोशल मीडिया जिसकी आज बड़ी धूम है जिसको हमारे मुखालिफ साथी जदीद टेक्नोलॉजी का नाम दे रहे हैं याद रखिए ये सोशल मीडिया तलबा तो की शख्सियत के इरत का जरिया नहीं याद रखिए सोशल मीडिया माशरे की असलाह का मस्बत नहीं बल्कि मनफी जरिया बन चुका है ये मकर फरेब का मंगबा है ये झूठ का फलंदा है ये इंटरनेट नहीं ये इंटरनेट है जिसमें आप एक बार दाखिल तो हो जाएं मगर इससे निकलना मुहाल है जहां इसने बहुत सी आसानियां पैदा कर दी वहीं बहुत सी जहनी मसाइल से दो चार कर दिया है किसी शायर ने क्या खूब कहा है इस उज़... किसी शायर ने क्या खूब कहा है इस उजाले से तो बेहतर था कि अंधेरा होता इस उजाले से तो बेहतर था कि अंधेरा होता रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें हजरत जो लोग सोशल मीडिया को तलबा की शख्सियत के इरत का जरिया मानते हैं उनको ये बात बता दूँ कि माशरे में बेहियाई को आम किसने किया सोशल मीडिया ने तालबिलों को बेराह राह रवी का शिकार किसने बनाया सोशल मीडिया ने मेहनत मशक्कत करने वाले अफराद को ब्लैक मेलिंग का रास्ता किसने दिखाया सोशल मीडिया ने तालीम तरक्की में मशगूल रहने वाले तालब इलमों की वक्त की बर्बादी किसने की तो सोशल मीडिया ने तो तो हम बिला शुबह यह बात बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया तलबा की शख्सियत के इर्तका में रुकावट है सोशल मीडिया के आने से पहले जिस दौर में सोशल मीडिया का नामों निशान भी न था उस दौर में ए पीजे अब्दुल कलाम भीमराव अंबेडकर राजेंद्र प्रसाद और अबुल कलाम आजाद जैसे आला तालीम याफ्ता लोग हमारी मुल्क को किसने दिया तो हमारी दस ने तो आप ही फैसला करें कि सोशल मीडिया को तलबा की शख्सियत के इरतका का जरिया कैसे कहा जा सकता है हजरात ये बात सुई साइंसदानों की तहकीक से सामने आई है जिसमें 12 से 17 साल की उम्र के 700 बच्चों पर एक साल तजर्बा किया गया नतज की रोशनी में ये बात सामने आई कि मोबाइल लैपटॉप और कंप्यूटर की स्क्रीन से निकलने वाली शुआएं लोगों की याददाश्त खासकर बच्चों की याददाश्त को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं तो हम मोबाइल के इस्तेमाल के जरिए सोशल मीडिया को तलबा की शख्सियत के इरतका का जरिया कैसे कह सकते हैं मैं आखिर में बस यही दाई बात दाई बोलना चाहूँगा किलबों को अपनी शख्सियत बनाने के लिए उन्हें सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं वो अपनी दरसगाहों से भी अपनी बेहतरीन शख्सियत बना सकते हैं किसी शहर ने क्या खूब कहा है ये आज लम ये बुतखाना ये चश्मगोश जहाँ जिंदगी है फकत खुर्दानوش तेरी आग इस खाक दासे नहीं जहाँ तुझ से है तू जहाँ से नहीं बढ़े जा ये कोहे गिरा तोड़कर में जमानो मका तोड़कर हर एक منتظر तेरी यलगार का तेरी शोख ये फिक्र किरदार का वाखरु दवाना अलहम्दुलिल्लाह बहुत ख्याल रखें टाइम की तंगी है इसका ख्याल रखिए मैं मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे गलत डायरेक्शन में बैठे हुए हैं वो कम से कम अपने कुर्सियों पे आ जाएं और स्टेज की तरफ रुख करके बैठ जाएं ये बहुत ही गलत बात ही है ये नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं समीर मोशन। सर्वप्रथम यहाँ पे उपस्थित निर्णायक महोदय अध्यक्षगण एवं मुख्य अतिथियों को तथा यहाँ पे सभी मेरे मित्रों को मेरा सुप्रभात मेरा नाम समीर दुबे है और आज मैं अपना विषय सोशल मीडिया छात्रों के व्यक्तिगत विकास में बाधक इसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ परंतु मेरा विषय मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ मेरा यह विषय इसके अगेंस्ट में है सोशल मीडिया आज वह जरिया है जिससे पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है आसान शब्दों में कहें तो सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी सूचना का आदान प्रदान विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक केवल कुछ सेकंडों में ही हो सकता है सोशल मीडिया के आने से वैसे तो कई लाभ हैं पर इसका सबसे बड़ा लाभ विद्यार्थियों के विकास में कैसे हुआ हम ये जानेंगे सोशल मीडिया के आ जाने से विद्यार्थियों को अपने देश की या फिर ना पूरे दुनिया की किसी भी सूचना का प्रा, प्राप्त होता है जो आज के विद्यार्थियों के विकास के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि वह जिस दुनिया में जिस देश में रह रहे हैं जहाँ रह रहे हैं उसके बारे में उन्हें न जानकारी होनी चाहिए सोशल मीडिया के जरिए विद्यार्थी कई चीज़ें हिस्टोरिकल या फिर न जनरल नॉलेज की काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं उसके बारे में जानते हैं और इसी के लिए सोशल मीडिया के जरिए विद्यार्थियों को आज के कंप्यूटर की या फिर न किसी भी न हिस्टोरिकल जनरल नॉलेज कोई भी चीज़ की काफ़ी अच्छी जानकारी होती है सोशल मीडिया ने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान किया क्योंकि जो विद्यार्थी मान लीजिए पढ़ाई नहीं कर सकते विद्यार्थी चाहे गरीब वर्ग का हो शहर का हो या गांव का हो अमीर हो गरीब हो सभी का सोशल मीडिया एक साधन बना जिससे विद्यार्थी ना पढ़ाई कर सके जो विद्यार्थियों जिनके पास कोई नहीं है उन्हें पढ़ाने वाला जो सेल्फ स्टडी करते हैं और उनको अगर समस्याएँ आती हैं तो वो सोशल मीडिया के द्वारा उस स्टडी को देख सकते हैं उन चीज़ों को देख सकते हैं सोशल मीडिया ने विद्यार्थियों के स्किल डेवलपमेंट पर भी बहुत काम किया स्किल डेवलपमेंट में जैसा हम देख सकते हैं जब विद्यार्थी ना कुछ नहीं कर पाते मान लीजिए जो विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं उन्होंने अपने अंडर कोई स्किल सोशल मीडिया से डेवलप करते हैं जैसे सिंगिंग डांसिंग आर्ट या फिर ना अलग अलग लैंग्वेज सीखना हमने करोना में भी देखा काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने पढ़ाई के साथ साथ, साथ सोशल मीडिया से ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट भी किया अब हम बात करें जो भी चीज़ हमें लाभ देती है उसके हानि भी कुछ होती ही है कई सारे न गार्जियंस का ये ये कहना है ये मानना है कि हमारे बच्चे सोशल मीडिया पे अक्सर काफ़ी देर तक न उसको यूज़ करते हैं और ना उस पर काफ़ी कुछ ना गलत चीज़ें भी देख लेते हैं तो अगर मैं उन सभी को बताना मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे ना अगर हम चाहें तो ना सोशल मीडिया पे ना ऐसे ना समाधान हैं उसके सोशल मीडिया पे हम ना वो लॉक लगा के ऐप लॉक लगा सकते हैं या फिर उसमें टाइमर सेट कर सकते हैं जिससे हम ना जब भी आधे घंटे एक घंटे का टाइम उसमें टाइमर अगर सेट कर लेंगे तो अगर हम उससे ज़्यादा चलाते हैं तो हमारे फ़ोन पे ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो ऐप अपने आप को क्लोज़ कर लेगा उसके साथ ही साथ हम ना उनके सेटिंग्स में जाके हमें कैसे कंटेंट चाहिए चाहे हम हमें एजुकेशनल कंटेंट चाहिए या फिर किसी ना जिस टाइप के भी हमें कंटेंट देखने होते हैं हम उनका भी सिलेक्शन कर सकते हैं इसके साथ ही साथ जो अगर हमें चीज़ें सोशल मीडिया से बहुत सारे लाभ तो मिले ही अगर हमें चीज़ों के से लाभ मिलते हैं तो उसकी हानियाँ मिलती हैं परंतु उन हानियों को के कारण उसके लाभों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता अगर ऐसा किया जाता तो दुनिया कभी विकसित होती ही नहीं अगर ना हम देख रहे हैं कि ना हमें ना आज वाहन है उन कितने से कार है एरोप्लेन है कभी रॉकेट भी बनते हैं तो उन सब से प्रदूषण होता है ये उन सब की हानियाँ हैं परंतु इन सभी के चलते हम उन सबको ना प्रयोग तो बंद नहीं कर देते ना हम उन्हें जारी रखते हैं हम उन पर प्रतिबंध लगा सकते है। हम हैं हम मानते हैं सोशल मीडिया को ना अगर, पे अगर कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं उस पे ना पर न उनका बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ रहा है तो हम उन पर न अगर न समाप्त नहीं तो हम उन पर प्रतिबंध लगा के उस गलत प्रभाव को कम कर सकते कर सकते हैं काफ़ी सारे बच्चे जो इस पर न केवल इस पर न गलत चीज़ों को ही नहीं देखते बल्कि इससे काफ़ी कुछ नया सीखते भी हैं बच्चे ना जो बच्चे जो बच्चे कहीं नहीं वो वो खुद से ही सीखने की एक क्षमता रखते हैं और आजकल के बच्चे सोशल मीडिया के जरिए फ़ोन पर काफ़ी कुछ नया देख के खुद भी जानकारी रखते हैं ताकि और दूसरों को भी उस चीज़ों की जानकारी देते हैं साथ ही साथ सोशल वर्क जैसे डोनेसन हो गए किसी न गरीबों के लिए या फिर न वृद्ध के लिए इन सभी के लिए डोनेशन भी इकट्ठा करते हैं सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को काफ़ी सही गाइडेंस भी मिलती है काफ़ी बार सही गाइडेंस मिलती है और उसका वो इस्तेमाल से वो काफ़ी कुछ नया सीखते हुए बस इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा लेते हुए अपनी बाड़ी को विराम देना चाहूँगा धन्यवाद